हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिविल इंजीनियरिंग स्टडी। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे 1000 स्क्वायर फुट हाउस के स्लैब के लिए स्टील की क्वांटिटी बताने वाला हूं, यानी कि 1000 स्क्वायर फुट हाउस के छत में कितना सरिया लगेगा वो मैं बताने वाला हूं, बहुत ही ईजी और सिंपल तरीके से। तो वीडियो को एंड तक देखें विदाउट स्किप किए हुए। और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो जैसा कि आपको पता है कि हाउस का जो साइज़ है वो 20x50 फुट का है, तो स्लैब की चौड़ाई में जो सरिया आएगा इस डायरेक्शन में उसको हम मेन बार कहते हैं, और स्लैब का जो सरिया आएगा लंबाई में इस डायरेक्शन में उसको हम डिस्ट्रीब्यूशन बार कहेंगे। तो मेन बार और डिस्ट्रीब्यूशन बार में सबसे बड़ा फ़र्क ये है कि मेन बार को जो सरिया है उसकी मोटाई ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू डिस्ट्रीब्यूशन बार। और दूसरा फ़र्क ये है कि मेन बार को हम बॉटम में बिछाते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन बार को टॉप में बिछाते हैं। तो दूसरी बात, स्पेसिंग की बात करें तो स्पेसिंग 100 mm है, 100 mm सेंटर टू सेंटर है। तो इसको हम यहाँ पे मिलीमीटर में दिया हुआ है, तो हम सबसे पहले इसको फुट में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हमारा हाउस का जो साइज़ है वो फुट में दिया हुआ है। तो 100 mm को हमने इंच में कन्वर्ट किया है तो 4 इंच आया, और अब 4 इंच को हम फुट में कन्वर्ट करते हैं तो 4 को 12 से डिवाइड किया तो हमारा रिज़ल्ट आया 0.333 फुट। अब 20 फुट वाला जो सरिया है वो कितना आएगा वो हम फाइंड आउट करते हैं, कितना सरिया लगेगा, टोटल नंबर ऑफ बार इन 20 फुट, उसके बाद फिर टोटल नंबर ऑफ बार इन 50 फुट, वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो 20 फुट वाला जो सरिया है उसकी उसको हम फाइंड आउट करने के लिए 50 फुट से 50 फुट से हम डिवाइड करेंगे, क्योंकि हमारी स्पेसिंग जो है एक स्टील से दूसरे स्टील की स्पेसिंग है वो 0.333 फुट है। तो हम 50 को 0.333 फुट से डिवाइड करेंगे तो हमारा 20 फुट वाला टोटल सरिया आ जाएगा। तो हमने 20 फुट का सरिया निकालने के लिए 50 को 0.333 फुट से डिवाइड किया है तो हमारा रिजल्ट आया 150+1 स्टील एक्स्ट्रा होता है, इसको हम काउंट नहीं करते हैं, तो हमारा रिजल्ट आया है 151 स्टील। और फिर हम उसके बाद हम 50 फुट वाले स्टील को फाइंड आउट करने के लिए हम 20 से डिवाइड करते हैं, क्योंकि स्पेसिंग जो है 0.333 फुट है, तो हम 20 को 0.333 फुट से डिवाइड करेंगे तो हमारा 60+1 आएगा, यानी कि 61 नंबर। अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि सबसे पहले 10 mm वाला स्टील आता है हमारा जो मेन बार का है, उसकी टोटल लंबाई हम फाइंड आउट करते हैं। तो टोटल लंबाई फाइंड आउट करने के लिए हमने 20 फुट वाले को जो है 20 से 151 को मल्टीप्लाई किया है, हमने 20 को 151 से मल्टीप्लाई किया है तो हमारा रनिंग फुट में आया है 3020 रनिंग फुट। उसके बाद रनिंग फुट को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है, वो इसलिए मैंने मीटर में कन्वर्ट कर लिया है क्योंकि वेट कैलकुलेशन में आसानी होगी। तो हमारा जो है ये रनिंग मीटर में आया है 921 रनिंग मीटर। अब 8 mm वाला जो स्टील है जो 50 फुट वाला है उसको हम फाइंड आउट करते हैं, तो 50 इस चीज़ के लिए 50 को हम 61 से मल्टीप्लाई करेंगे, 50 को 61 से हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा रिज़ल्ट आया है 3050 रनिंग फुट, यानी कि इसको हम रनिंग मीटर में हम कन्वर्ट कर लेते हैं रनिंग मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 3.28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा 930 रनिंग मीटर, 930 रनिंग मीटर। अब सबसे पहले हम
10 mm वाले स्टील की जो 10 mm स्टील का जो वेट है ना वो हम फाइंड आउट करते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला है वेट निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो डी स्क्वायर इंटू एल डिवाइडेड बाय 162 होता है। तो 10 mm वाला स्टील का हमें निकालना है 10 स्क्वायर इंटू लेंथ जो है वो 921 मीटर है, जैसा कि आप देख सकते हैं 921 डिवाइडेड बाय 162। तो ये हो जाएगा 100 इंटू 921 डिवाइडेड बाय 162, तो ये आ जाएगा 568 केजी। क्योंकि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है, अगर आपको अगर चेक करना है तो आप चेक कर सकते हैं। अब हम 8 mm वाले का वेट निकालते हैं, 900 कितना है, 8 mm वाले का 930 है डिवाइडेड बाय 162, तो 64 डिवाइडेड बाय 162, तो हमारा रिजल्ट आया है 367 केजी। अगर साथ ही साथ कैलकुलेशन करूँगा तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए हमने ऑलरेडी कैलकुलेशन को कर रखा है। अब आगे हम ग्रॉस वेट बताते हैं, मतलब स्लैब में टोटल स्टील का जो वेट है वो ग्रॉस वेट, वो मैं आपको बता देता हूँ। हमने टोटल दोनों को ऐड किया है, 568 केजी को और 367 केजी को, तो हमारा टोटल ग्रॉस वेट जो आया है वो 935 केजी आया है, यानी कि आप 1000 केजी कंसीडर कर लीजिए, मींस 1 टन, यानी कि 20x50 foot हाउस के स्लैब में 1000 केजी स्टील रहेगा। अगर हाँ, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।